हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट ऑटोमोबाइल चैनल ब्रूम लव। आज हमारे सामने है टाटा की न्यूली लॉन्च्ड हैरियर और ये येलो कलर में यहाँ पे खड़ी हुई है। बाहर आपको डार्क एडिशन भी इसका दिखेगा, ये देखिए, बड़ी जल्दी उसी की भी आपको वीडियो मिलेगी। और आज हम कवर करने आए हैं टाटा हैरियर के इस कलर को, और एक बार मैं इसका आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत, करते हैं इसका एक वॉक अराउंड एंड जानते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे येलो कलर में खड़ी है। अब कंपनी इसको येलो कलर कह रही है, लेकिन मुझे थोड़ा पैरट ग्रीन सा लगता है, जो हल्का सा ग्रीन टिंट होता है इसमें वो दिख रहा है। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको यहाँ पे आपको LED DRL देखने को मिल जाते हैं, और ये कनेक्टेड DRL दिए गए हैं, ये देखिए ये पूरा, और ये आपके डायनामिक स्वाइप LED इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। नीचे आपको 1 पॉइंट में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे आपको बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए हुए हैं, ये आपके फॉग लैम्प्स हैं। एंड नीचे का अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये थोड़ा देखिए, ये इसका डिजाइनिंग एलिमेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो ये ब्लैक एलिमेंट इसमें दिया हुआ है बहुत ही शानदार निखर के आ रहा है। फ्रंट में इसकी ग्रिल पहले से पूरी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे आपको शाइनी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ये देखिए। बीच में यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, इसी के नीचे आपको 360 पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है। एंड ये है इसका ADAS का ब्लॉक, ये देखिए, यहाँ पे आपको ADAS का ब्लॉक देखने को मिल जाता है। एंड नीचे भी आपको यहाँ पे ग्रिल टाइप जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो ही यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है। फ्रंट में आपको 2 पॉइंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो फ्रंट का जो इसका ओवरऑल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो चुका है, पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। अब अगर मैं ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी के वाइपर्स दिए गए हैं, और ऊपर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ADAS के लिए पूरे सेंसर दिए गए हैं। अब अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो साइड प्रोफाइल आप इसकी देखिए, साइड प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है, साइड से इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जो जो चेंज है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अब हैरियर देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये आपने जीप की काफ़ी गाड़ियों में देखा होगा, मेरिडियन में देखा होगा, कंपास में देखा होगा, अब ये टाटा ने भी ये चीज़ अपनी गाड़ी में इंक्लूड कर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये हैरियर लिखा हुआ। एंड साइड में अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो टायर्स इसमें अब काफ़ी बड़े आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसका साइज़ आपको बताऊं तो 235/60 R18 के इसमें टायर्स देखने को मिलते हैं, एंड जो इसका डार्क एडिशन है उसमें आपको 19 इंचज़ के आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े हैं। और जो साइड में इसका ये पूरा बॉडी क्लैडिंग है ये आपको ब्लैक में देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं इसके ORVM की बात करूँ तो ORVM पे आपको शाइनी ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड आपको 360 कैमरा चाहिए यहाँ पे कैमरा भी देखने को मिलता है। साइड में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको कोई क्रोम ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलेगा पूरी गाड़ी में, ये देखिए, यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिला है, यहाँ पे भी कहीं भी नहीं मिला है, पूरा आप इसको शाइनी ब्लैक फिनिश देखने को दी गई है। और यहाँ पे कंपनी 50 लाख का इसका सेलिब्रेशन भी कर रही है, 1998 से एंड 2023 तक टाटा ने 50 लाख कार्स सेल कर दी है। यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर कैप है, डीजल में ये गाड़ी आती है, पेट्रोल भी इसका सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल आएगा, लेकिन अभी नहीं पता कब तक आएगा। पीछे यहाँ पे इसकी ये LED टेल लाइट देखिए, ये भी कनेक्टेड कर दी गई है, ये देखिए पीछे से इसका पूरा एक लुक देखिए आप, क्या शानदार लगता है, पहले से बहुत शानदार लगता है। अब यहाँ पे आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट्स दी गई है, और नीचे यहाँ पे आपको रियर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे आपको 2 पॉइंट में ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आपको हैरियर देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ पे हैरियर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, उसी के नीचे आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है जो 360 कैमरे का भी काम करता है। ऊपर यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाता है, पीछे आपको डिपोगर भी मिल जाते हैं, एंड शार्क पिन एंटीना आपको ऊपर देखने को मिलता है। अब मैं अगर इसका आपको बूट स्पेस दिखाऊँ तो ये आपको इलेक्ट्रिकली पावर्ड मिलता है, बस आपको यहाँ से एक बटन प्रेस करना है और ये अपने आप ओपन होगा, ये देखिए। बूट स्पेस की अगर इसकी बात करें तो 455 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है, ये इसका हैजार्डियस ट्रायंगल है जो आपको काम आएगा। यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको एक हुक भी देखने को मिलता है, लैंप शायद इसमें नहीं है जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं है, ये रहा, इसमें एक लैंप इधर मिलता है, एंड हाँ एक ही लैंप आपको यहाँ पे मिलता है। एंड इसकी कमाल की एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से टाटा ने स्पेयर टायर हटा दिया है, वो आपको नीचे देखने को मिलता है ताकि बूट स्पेस इसका ज़्यादा हो चुके। तो बूट स्पेस इसका काफ़ी बड़ा है, 455 लीटर्स का है, एंड यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे भी दी गई है, हल्की फुल्की चीज़ आप इसमें भी रख सकते हो, और आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और ये दोबारा से बंद हो जाएगा, ये देखिए।
अब पीछे से आप इसकी लुक देखिए, जब ये कनेक्ट होती है पूरी, ये सी टाइप में आपको यहाँ पे एलईडी लाइट्स दी गई है, काफी अच्छी लग रही है। इसके जो डिजाइनिंग एलिमेंट्स है काफी अच्छे लग रहे हैं पूरे, एंड पीछे से आप इसका पूरा लुक देख सकते हो, काफी मस्कुलर और रोड प्रेजेंस तो इसके आपको पहले से ही पता है कितनी जबरदस्त थी। पीछे भी आपको टायर्स में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कंपनी ने इंटीरियर में टाटा हैरियर में क्या क्या चेंज किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, इसमें आपको वेलकम सीट का फंक्शन भी देखने को मिलता है। अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं गाड़ी में कंपनी ने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में ये आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको येलो, जो बाहर कंपनी क्लेम कर रही है येलो कलर है, वैसे मुझे ये थोड़ा ग्रीन टिंट में लग रहा है। यहाँ पे आपको ये एलिमेंट भी देखने को मिल जाता है, एंड ये पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है यहाँ पे। एंड नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर भी मिल जाता है, JBL के स्पीकर है इसमें। एंड यहाँ पे आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, ये फोल्डेबल एंड रिट्रैक्टेबल दोनों हैं। एंड यहाँ का सब कुछ हो गया, अब चलते हैं आगे। इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको पता ही है आजकल टाटा का कितना जबरदस्त लगता है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, ये देखिए यहाँ पे इल्यूमिनेटेड ये सारी चीजें आपको मिलती है। यहाँ पे आपको सारे ब्लूटूथ के, म्यूजिक के, वॉल्यूम के, कॉल के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं स्टीयरिंग पे। एंड यहाँ पे आपको ADAS के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड जो यहाँ का जो आप पूरा चेंज कर सकते हो, यहाँ का आपको ये देखिए, वहाँ पे नेविगेशन है, मीडिया है आपको दिख रहा है तो ये देखिए, नोटिफिकेशन है, सेटिंग्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप पूरी गाड़ी का देख सकते हो क्या क्या चल रहा है गाड़ी में, बहुत सारे फीचर्स है इसमें, आप यहाँ से ये कंट्रोल कर सकते हो। ये सारे ADAS के फंक्शंस हैं, एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको 10.2 इंच का डिजिटल, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, एंड पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले वाली आपने हैरियर में देखा होगा, इतना ज़्यादा खास नहीं लगता था, आज के ज़माने में वो थोड़ा आउटडेटेड लगता था। एंड आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए इसकी एम्बियंट लाइटिंग, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। वहाँ तक ये एक पतली सी लाइन में आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। एंड ये जो छोटे छोटे इंसर्ट्स हैं गाड़ी के कलर के, ब्लैक एंड जो ये ग्रीन येलो कलर कह रही है कंपनी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, शानदार लग रहे हैं। एंड यहाँ पे भी ये देखिए, ये पूरा एलिमेंट इसको थोड़ा स्पोर्टी लुक दे रहा है। सफारी जो आपने वीडियो देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, जाके देखिए। सफारी में आपने देखा होगा थोड़ी वो लग्जरी टाइप लगती है, ये देखने में थोड़ी स्पोर्टी टाइप लगती है। ये देखिए, मैं आपको पूरा इसका एक लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे इंसर्ट्स दिए हुए हैं, ये अलग से कंट्रास्ट में निखर के आ रहे हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, सफारी में भी ये मिलता है, और यहाँ पे सारा ये कैपेसिटिव टच में आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे आए दोबारा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क कितना ज्यादा गाड़ी यूज कर रही है वो भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे फीचर्स है, जी फोर्स मीटर आपको देखने को मिलता है, सर्विस रिमाइंडर देखने को मिलता है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी। एंड यहाँ पे आप इसको पूरा नेविगेशन सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं तो 10.2 इंच का आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड काफी शानदार है। एंड कैमरा तो भाई सफारी एंड हैरियर में टाटा के जो कैमरा की क्वालिटीज है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन सेगमेंट, या मैं कहूँ इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लग्जरी गाड़ियों को छोड़ के सबसे बेस्ट जो कैमरा क्वालिटी है वो टाटा की है। अब देखिए ये 2D में है, आप सारे साइड्स का देख सकते हो, यहाँ से चारों साइड का देख सकते हो। एंड जैसे ही मैं 3D करता हूँ तो ये देखिए, गाड़ी वैसे इस कलर की नहीं है लेकिन टाटा ने इसमें इस कलर की दिखा रखी है। अब यहाँ से भी आप जो ये आपने लैंड रोवर की गाड़ियों में देखा होगा, आप हर एंगल से गाड़ी को अलग अलग देख सकते हो, काफी शानदार ये चीज़ है। एंड ये फ्रंट का पूरा हो गया लेफ्ट एंड राइट, एंड ये रियर का हो गया लेफ्ट एंड राइट। काफी फीचर रिच आपको ये स्क्रीन देखने को मिलती है, डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे आप AC को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी का फीचर देखने को मिल जाता है बीच में, एंड ये आपका फिर से वो कनेक्टिविटी है, ये आपका FM आ गया। एंड यहाँ पे आपको JBL के स्पीकर के जो इसके मोड्स है वो आप चेंज कर सकते हो, आपको एयर फिल्टर इसमें देखने को मिलता है। एंड मैं और पीछे जाऊँ तो यहाँ पे आपको आप विजिट वगैरह कुछ लगा सकते हो, एंड ये इसकी सारी एप्स वगैरह हो गई, इसमें कितनी सारी एप्स हैं। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो आपको देखने को मिल जाता है, एंड बहुत सारे और भी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे फीचर्स हैं, काफी इजी टू यूज है, एंड काफी ज्यादा फीचर रिच ये है।
अब अगर इससे आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे भी ये देखिए आपको इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ भी स्पोर्टी फील है। एंड ये देखिए, ये आपने लैंड रोवर की गाड़ियों में देखा हुआ होगा, जैसे जहां से आप ये चेंज करोगे तो ये देखिए ये यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ भी नोटिफिकेशन आती है, एंड यहाँ भी आपको ये दिखा रहा है, ये देखिए एनिमेशन से चेंज होता है। रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड, ये देखिए ये अलग अलग यहाँ पे जो मोड्स हैं, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये आपको अलग अलग सारे मोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्पोर्ट मोड इसमें अलग से डेडिकेटेडली दिया हुआ है, एंड इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल भी देखने को मिलता है, एंड एक इको मोड भी इसमें कंपनी ने दिया हुआ है। एंड ये डायल काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड एक यूएसबी टाइप सी फास्ट चार्जिंग एंड यूएसबी टाइप ए का आपको चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे की भी रखी हुई है, मैं आपको की दिखा देता हूँ, ये देखिए की इसकी कुछ ऐसी है, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक बूट ओपनर एंड जो लाइट ऑन करने का फीचर होता है वो इसी में आपको देखने को मिल जाता है। अब ये भी आपने लग्जरी गाड़ियों में देखे होंगे, गियर नो वैसे काफी शानदार लग रहा है, लग्जरी लग रहा है, मतलब ये सेंटर कंसोल को अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल भी कोई 20-25 लाख की गाड़ी नहीं लगेगी। टाटा ने बहुत काम किया है इस गाड़ी में, आपको इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी देखने को मिल जाता है, ऑटो होल्ड का फंक्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं, एंड ये है इसका स्लाइडिंग नहीं है, ये है इसका आर्मरेस्ट। एंड इसके नीचे अगर मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस इसमें ठीक ठाक है, लेकिन इसमें फीचर्स देखिए आप कितने सारे हैं, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है, ये देखिए, और इसमें लाइट भी है, ये देखिए, यहाँ पे आपको एक यूएसबी ए का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टाइप सी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड ये कूल्ड है, सबसे बड़ी चीज ये कूल्ड है। अब अगर मैं उधर चलूं तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, एंड ये लाइट के साथ आता है, आपको लैपटॉप का कंपार्टमेंट ऊपर दिया हुआ है, एंड ये भी कूल्ड है, इसमें ये भी कूल्ड में आता है, एंड ये शाइनी ब्लैक फिनिश काफी अच्छी लग रही है। ऊपर यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाता है, ये पूरा ADAS का ब्लॉक है, एंड जो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स है उसका पूरा ये ब्लॉक है। ऊपर यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग्स, जो इधर वाले एयरबैग्स आजकल टाटा ऑफर कर रही है ऑन एंड ऑफ करने का, इसका ऑप्शन वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, अभी ये ऑन है। ये इसके फ्रंट लाइट है, फ्रंट लाइट के कंट्रोल्स है ये सारे, एंड यहाँ पे आपको SOS का कंट्रोल देखने को मिलता है, एंड ये है इसका सनरूफ स्लाइडर, ये देखिए काफी बड़ा इसका सनरूफ देखने को मिलता है, ये देखिए काफी बड़ा है और काफी एरी केबिन होता है। यहाँ पे आपको एक डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, जो इसकी सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, एंड यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। सेफ तो आपको पता ही है टाटा की कितनी ज्यादा गाड़ियां होती है, एंड टाटा सफारी एंड हैरियर तो अब सबसे ज्यादा सेफ गाड़ियों में आती है। अब अगर मैं आगे बढ़ू तो ऊपर यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता है, ये थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा था, क्योंकि आजकल हर गाड़ी आपको यहाँ पे मिरर दे देती है इंक्लूडिंग लाइट, लेकिन टाटा ने यहाँ नहीं दिया, टाटा की कुछ अलग पॉलिसी होगी। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है और दो लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ का पूरा हिसाब टाटा ने यहाँ निकाल लिया, एयरबैग का बैज आपको देखने को मिल जाता है, एंड ये देखिए यहाँ भी ये क्वालिटी इसकी कितनी प्रीमियम लग रही है। टाटा ने हैरियर को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है, पहले ही इतनी लग्जरी लगती थी, इसकी इतनी ज्यादा जबरदस्त लुक थी, अब और ज्यादा इसको एनहेंस कर दिया है और इसको एक एलीट क्लास की गाड़ी बना दी है। ये सारा आपका फ्रंट का हो गया, आपने पूरा देख लिया, हाँ मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। नीचे आपको यहाँ पे डेड पेडल देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रेक एंड एक्सेलेटर देखने को मिलता है, एंड इसका बूट ओपनर भी यही है, नीचे यहाँ पे आपको इसका बूट ओपनर देखने को मिल जाता है, एंड आगे का सब कुछ हो गया। अब चलते हैं, हाँ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, HDS लाइट बटन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको डोर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 360 कैमरा का यहीं पे आपको बटन देखने को मिल जाता है, ये देखिए मैं ये प्रेस करूंगा और यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। तो काफी ज्यादा ये जो प्रीमियम टचेज हैं इस गाड़ी में, काफी अच्छी से ये गाड़ी लग रही है। एंड हाँ, स्टीयरिंग की मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं, एंड टाटा आप अपनी गाड़ियों में पैडल शिफ्टर्स देने लगी है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं इसके कंट्रोल की बात करूं तो यहाँ पे आपको हाइट एंड रीच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं पीछे, एंड पीछे देखते हैं गाड़ी में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको करते हैं बंद एंड चलते हैं पीछे देखते हैं गाड़ी में क्या क्या है। हाँ, सीट का आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीट का पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड तीन मेमोरी फंक्शन भी देखने को मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं पीछे और पीछे देखते हैं गाड़ी में क्या क्या है। पीछे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सन ब्लाइंड्स देखने को मिल जाते हैं, मैनुअल सन ब्लाइंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं।
आपको यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, सिल्वर आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, एंड ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। JBL के स्पीकर्स हैं एंड यहाँ पे भी आपको स्पीकर देखने को मिलते हैं। यहाँ फोन रखने की अलग से जगह दी हुई है, काफी यूनिक चीज है, किसी भी गाड़ी में आपने ये देखी नहीं। यहाँ पे आपको ये पूरा शाइनी ब्लैक फिनिश दिया हुआ है एंड यहाँ भी आपको ये इंसर्ट दिया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, स्पोर्टी लग रहा है। अब चले अंदर देखते हैं पीछे क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एसी वेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे नहीं है एसी वेंट्स, अब कंपनी ने यहाँ से उठा के यहाँ दिए हैं। तो एसी वेंट्स यहाँ से उठा लिए हैं, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप सी का एक ऑप्शन दिया हुआ है और माइक्रो यूएसबी ए का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फोन रखने की अच्छी खासी जगह रखी दी हुई है और यहाँ पे आप दो फोन आराम से रख सकते हो। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं दोनों सीट्स में। एंड अगर मैं रियर कंफर्ट की बात करूं तो मेरी हाइट 6 फीट से ज्यादा है और आप इसका अंडर थाई सपोर्ट देख सकते हो, डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट नहीं है इसमें, और डिसेंट है, काफी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है। हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो हेडरूम भी काफी डिसेंट है, बस मेरा सर थोड़ा लगने से बच रहा है, तो हेडरूम भी डिसेंट है, इतना ज्यादा नहीं है। और अगर मैं पीछे यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसका जो ये हेडरेस्ट मिले हुए हैं, ये काफी प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। ये आपने शायद प्लेन्स में ऐसे देखे होंगे। यहाँ पे टाटा ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाता है विद अ हुक, एंड सेम केस विद हियर, यहाँ पे भी आपको एक डोर हैंडल मिलता है विद अ हुक। यहाँ पे आपको यहाँ का लाइट भी देखने को मिल जाती है एंड यहाँ भी आपको यही सेम लाइट देखने को मिल जाती है। पीछे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं एंड बीच में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद टू कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको तीसरा कोई भी हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। डेडिकेटेड यहाँ पे आपको 3 सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है, आईओएसओ फिक्स्ड है एंड बीच में ये काफी बड़ा हम्प है, तो तीसरा बंदा, वैसे तो गाड़ी चौड़ी बहुत है तो आराम से बैठ सकता है, लेकिन तीसरे बंदे को थोड़ी सी फिर भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक तो हेडरेस्ट नहीं है और यहाँ पे नीचे आपको काफी अच्छा एक बड़ा सा हम्प देखने को मिल जाता है। और पीछे से मैं आपको एक बार इसका पूरा ये डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, ये देखिए यहां से आप देखिए पूरा एकदम ब्रांड न्यू है टाटा की। नेक्सोन के अलावा आपने ये सारा जो इसका डिजाइन है ये किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा, पूरा एकदम न्यू है, लेटेस्ट है और काफी अच्छा लग रहा है। ये जो आप ये येलो येलो इंसर्ट्स देख रहे हो इससे स्पोर्टी लग रहा है, ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन इसका काफी शानदार लग रहा है। तो ये हो गया पूरा पीछे का। अब इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको सेम सफारी वाला इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन देखने को मिलता है जो 170 हॉर्स पावर एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा, लेजेंडरी इंजन है ये, आपको हेक्टर, हेक्टर प्लस में, मेरिडियन में, जीप कंपास में, सब में यही मिलता है। यहाँ पे आपको ORVM पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आप देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ADAS इसमें है, तो ओवरऑल काफी अच्छा है, अब ये पैकेज हो गया है अपने पूरे सेगमेंट में। और अगर आपको कोई टाटा की गाड़ी लेनी है या हैरियर लेनी है, सफारी लेनी है या कोई भी अगर आपकी अलग क्वेरी है, तो मैं अभी भिकाजी कामा पैलेस के टाटा शोरूम में खड़ा हूँ। ट्रियो टाटा नाम यहाँ का है और मैं यहाँ पे आपको सुमित जी का नंबर दे देता हूँ, बड़े कोऑपरेटिव बंदे हैं, बड़ी अच्छी आपको डील प्रोवाइड करेंगे, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वोकल फॉर लोकल भी आप टाटा का देख सकते हो। तो ये थी टाटा हैरियर की येलो एडिशन की, ब्लैक जो डार्क एडिशन अभी बाहर खड़ा हुआ है उसकी बहुत जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी। ये थी येलो एडिशन की एक फुल लेंथ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो या अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।